असुरों को भगवान ने विभूति में अपना बल और वीर बताया है, तो इस हिसाब से तो आसुरी शक्तियां दैवी शक्तियों पर हमेशा ज्यादा प्रभावी रहेंगी। असुर का अर्थ निंदा परक भी है और स्तुति परक भी है। राक्षस का अर्थ वाल्मीकि रामायण में पहले प्रशंसा परक है, असुर का अर्थ राक्षस का अर्थ, फिर निंदा परक है, अभी बताऊंगा। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा विता। असुर का अर्थ होता है वलिष्ठ, अस प्राण परक नाम है नी, असुर माने वलिष्ठ, राक्षस माने रक्षक, से राक्षस बना है वाल्मीकि रामायण। तो रक्षक जब भक्षक हो जाए तो उसी का नाम राक्षस हो जाता है, और असुर बलिष्ठ व्यक्ति जब बल का दुरुपयोग करे तो निंदा हो जाती। असुर शब्द राक्षस शब्द पहले प्रशंसा का द्योतक, बल का दुरुपयोग करने के कारण इनकी निंदा हो गई। असुर शब्द प्रशंसा का द्योतक है वाल्मीकि रामायण आदि में असुर, लेकिन प्राण से उपलक्षित देहेंद्री प्राणांतःकरण में ही जो रमा रहे और इनका उपयोग दूसरों को उत्पीड़न में करे। मूलतः असुर शब्द जो है बलिष्ठता का, बलिष्ठ बलवत्ता का द्योतक है। ऐसे ही क्या कहा, राक्षस, राक्षस को राक्षस कहते हैं। रक्षक जब भक्षस हो जाए तो निंदा परक है, तो ये दोनों शब्द पहले प्रशंसा परक थे, दुरुपयोग के कारण निंदा परक हो गए। आगे कहाँ से बोल रहे हैं, वाल्मीकि रामायण। और वो जो सूर्य भगवान के रथ का श्रीमद् भागवत के बारे में स्कंद में वर्णन ले जाते हैं, उसमें असुर कहाँ रहते हैं, राक्षस कहाँ रहते हैं, यक्ष सबका उपयोग है या नहीं, तो उनका अक्लिष्ट उपयोग हो गया। कहाँ, बारहवें स्कंद में जो भगवान सूर्य के रथ को खींचने वाले तत्व हैं उसमें असुर इत्यादि हैं, यक्ष कहाँ हैं, राक्षस कहाँ हैं, असुर कहाँ हैं। समुद्र मंथन में भी देवताओं को दुर्बल माना गया, असुरों का उपयोग किया गया। वसुर का अर्थ होता है बलिष्ठ, राक्षस का अर्थ होता है रक्षक, बल का दुरुपयोग करने के कारण उनकी निंदा हो गई। रक्षक जब भक्षक होने लग गए तो उनकी निंदा हो गई। मूलतः ये दोनों शब्द जो हैं प्रशंसावाचक। आगे